खास खबर, हाई अलर्ट राजनीतिक नेताओं पर निशाना, हिट लिस्ट में यह लोग। हाल ही में भारत ने आतंकवादियों के गढ़ों को तबाह कर दिया है। भारत द्वारा की गई कार्यवाही में कम से कम 350 आतंकवादी मारे गए हैं। इसके बाद डरे हुए आतंकियों से बड़े हमले की आशंका है। आतंकवादियों ने अब अपना लक्ष्य जम्मू कश्मीर के अलावा भारत देश के कुछ अन्य प्रमुख शहरों को भी किया है। कहा जा रहा है कि जैश ए मोहम्मद एक आतंकवादी संगठन पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। भारत द्वारा आतंकवादियों के अड्डे को उध्वस्त किए जाने के बाद देश भर में हाई अलर्ट जारी किया गया है। देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, स्टैचू ऑफ यूनिटों में हाई अलर्ट किया गया है। यह भी ज्ञात है कि देश के सबसे बड़े नेता आतंकवादियों हिट लिस्ट में पाए जाने की खबर मिली है। इसलिए देश के वरिष्ठ नेताओं की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। कौन है आतंकवादियों के हिट लिस्ट में? देश के बड़े नेता, रेलवे स्टेशन, तेल कंपनियों के मालिक, लश्कर और पुलिस दल के सेवानिवृत्त अधिकारी आतंकवादियों के निशाने पर दिखाई दे रहे हैं। जो अधिकारी खालिस्तान चळवळ अथवा आतंकवादियों के खिलाफ कार्यवाही की, ऐसे अधिकारियों को भी आतंकवादी निशाना बना सकते हैं। इसके बावजूद भी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कबूल किया है कि खुफिया आतंकवादी और जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर पाकिस्तान में ही है। इसके पहले पाकिस्तान ने मसूद अजहर दावा कर रहा था कि वह हमारे देश में नहीं है। अब यह झूठ उजागर हो गया है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए देखते